नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप के एक नए अपडेट के बारे में। जो नया अपडेट आया हुआ है वो आपका 19.0 एक नया अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि आपको 8 बदलाव किया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप में ऐसा पहली बार हुआ है, बहुत सारा बदलाव आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इन 8 बदलाव के बारे में बारी बारी से समझाते हैं कि वो क्या है और कैसे आपको आगे पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करना है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और यदि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे या लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर में जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले इसको अपडेट कर ही लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। आप जैसे ही अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 6.05 MB का अपडेट है, बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 19.0 वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वाइल टू टेक THR या SCM। जैसे कि THR और SCM से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, तो इस अपडेट को जानने के लिए हम यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पे चलते हैं। यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पे पहले अपडेट के बारे में बताते हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और जैसे कि हम THR जो गर्भवती महिला, धात्री महिला और जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग THR देते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक कैटेगरी को ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम गर्भवती महिला की कैटेगरी को ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि THR देने के लिए हम 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करते थे और यहाँ पे विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पोषण युक्त हस्तक्षेप पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे कि हमारा जो THR का ऑप्शन है वो चेंज करके यहाँ पे एक ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप THR वाले पे क्लिक करेंगे तो अगर इस गर्भवती महिला को THR आप लोग नहीं दिए होंगे या फिर इस महीने से अब जब आप लोग THR देंगे तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसकी एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, ये पिछला रिकॉर्ड दिखा रहा है, जैसे कि हमने इस गर्भवती महिला को THR दे दिया है तो यहाँ पे इसका THR की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ये THR का ऑप्शन है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब चलिए हम आते हैं फिर से दूसरे अपडेट के बारे में, जानते हैं दूसरा अपडेट क्या है। तो दूसरा अपडेट भी आप लोगों को THR से संबंधित ही है, जैसे कि THR या SCM न्यू मॉड्यूल इन डेली ट्रैकिंग। जैसे कि इसको डेली ट्रैकिंग में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो THR का ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे फिर से आते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे और यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो बैक करने के बाद जैसे कि हम लोग डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे और डेली ट्रैकिंग में देखेंगे कि THR का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी स्थिति होती है, आज आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है या नहीं खोला है उसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आज आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है और यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स जो बच्चों को देते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके और उपस्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि कितने बच्चों की उपस्थिति है, वो आपको यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर लेनी है। उपस्थिति दर्ज करने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स जो बच्चों को दिया जाता है वो यहाँ पे आप लोग इसका काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 काम करेंगे आप, पहले उपस्थिति बनाएंगे बच्चों की, कितने बच्चे आए हैं, उसके बाद आपने कितने बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स दिया है वो एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को जब हम HCM देते हैं तो किस बच्चों को हमें HCM देना है वो यहाँ पे बच्चे का कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे गर्भवती महिला की भी कैटेगरी देखेगी, जिसमें कि अगर उनको THR देते हैं तो THR की एंट्री करेंगे और यहाँ पे बच्चे जो है उनको अगर HCM दे रहे हैं तो उनको HCM की एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चे वाले पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, अभी ये नया नया अपडेट है। इसके बारे में हम और आगे इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो फिलहाल ये ऑप्शन आप लोगों को इस प्रकार से कुछ चेंज होकर दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अपडेट क्या है, जैसे कि तीसरा अपडेट में हम लोग देखेंगे तो तीसरा अपडेट जो है बेनिफिशियरी डेड ऑप्शन रिमूव। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में। पोषण ट्रैकर ऐप में आने के बाद हम बेनिफिशियरी कैटेगरी ओपन करेंगे। देखिए हम आपको ये तीसरा अपडेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तीसरा अपडेट जो पोषण ट्रैकर ऐप में आया हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते थे तो नीचे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि बेनिफिशियरी डेड। अगर किसी कारणवश बेनिफिशियरी की डेड हो जाती है तो उसको हम लोग वहाँ से क्लिक करके उसको हटा दे रहे थे, तो उस ऑप्शन को पोषण ट्रैकर ऐप से फिलहाल रिमूव कर दिया गया है, यानी उसको हटा दिया गया है। तो ये आपका तीसरा अपडेट था। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे अपडेट की ओर। तो चौथा अपडेट आपका यहाँ पे बता रहा है स्कूल गोइंग इज नॉट एडिटेबल, यानी कि जो बच्चों को आप लोग स्कूल भेज दे रहे थे यानी पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग उसको दिखा रहे थे ये बच्चा स्कूल में चला गया है या नहीं गया है, इसके लिए कई सारी आंगनबाड़ी बहनों को कन्फ्यूजन भी हो रही थी, तो उसी के रिलेटेड ये अपडेट है। जैसे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे किसी एक बच्चे के। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो ये चौथा चेंज है आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे जो बच्चों को कई आंगनबाड़ी सेविकाएं यस और नो करने में कन्फ्यूजन हो रही थी उनको, तो उनके लिए ये अपडेट काफ़ी अच्छी है। चाइल्ड गोइंग टू, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है या आंगनबाड़ी में ही है, इसको लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही थी यस और नो करने में। तो इसके लिए ये अपडेट आया हुआ है कि अगर बच्चा आपका आंगनबाड़ी केंद्र में ही है तो उसको यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पे सेलेक्ट रहने देना है। अगर वो स्कूल जा रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पे स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुष्टि करेंगे कि हाँ ये बच्चा स्कूल जा रहा है, इसको हाँ पे सिलेक्ट करके और आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये बच्चा पोषण ट्रैकर ऐप में से जो आप लोगों का डेली ट्रैकिंग में हाजिरी वगैरह में जो शो होता है वो आपका वहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के लिए चौथा अपडेट है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं पाँचवें अपडेट की ओर। पाँचवा अपडेट क्या है, पांचवा अपडेट यहाँ पे आप देखेंगे AWC कोड रिफ्लेक्ट इन होम पेज एंड डेली ट्रैकिंग, यानी कि आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों का AWC कोड दिखाई देता है उसके रिलेटेड ये अपडेट है। यानी कि आप लोगों को दो जगह पर ये AWC कोड देखने को मिल जाएगा। पहला जो आप लोगों का होम पेज है, जैसे कि अभी आप होम पेज पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोगों का जो यहाँ पर जो दिखा रहा है आपका AWC कोड वो आप लोग देख पाएंगे, और दूसरा यहाँ पे डेली ट्रैकिंग जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो कोड देखने को मिल जाएगा जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र का AWC कोड है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका पांचवा अपडेट था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे छठे अपडेट की ओर। छठा अपडेट जो है वो माइग्रेट से संबंधित है। माइग्रेट बेनिफिशरी रिप्लेस्ड विथ AWC माइग्रेशन इन मोर सेक्शन, जैसे कि कई कारण जो आंगनबाड़ी सेविका है गलती से किसी लाभार्थी को गर्भवती महिला को माइग्रेट कर देती थी तो उसको यहाँ पे अब आप लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसको पोषण ट्रैकर ऐप में दोबारा से आप उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए छठा अपडेट है। छठा अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई आंगनबाड़ी सेविकाएँ इस प्रकार से गलती कर देती थी, तो अब ऐसा जो भी गलती होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और उस अपडेट को जानने के लिए आपको यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AWC माइग्रेशन करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप AWC माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिसको भी आपने गलती से माइग्रेट कर दिया है उसको आप यहाँ पे फिर से दोबारा अपने पोषण ट्रैकर ऐप में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट में बढ़ते हैं। सातवां अपडेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पास्ट मंथ रिमूव्ड फ्रॉम होम विजिट। तो ये सातवां अपडेट आपका होम विजिट से संबंधित है। जैसे कि होम विजिट को ओपन करेंगे, होम विजिट जैसे ही हम पोषण ट्रैकर ऐप में ओपन करेंगे तो आप लोगों का जो पिछला रिकॉर्ड दिखा रहा था, जैसे कि आपने पिछला मंथ क्या क्या काम किया है, कितने होम विजिट किए थे, वो रिकॉर्ड आप लोगों का यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप जितने भी करेंट मंथ का आप लोग होम विजिट करेंगे वही आप लोगों का होम विजिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी जो पास्ट मंथ का है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये सातवां अपडेट है। ठीक है, तो इतने सारे बदलाव जो है आप लोगों को इस बार पोषण ट्रैकर ऐप में देखने को मिल रहा है।
ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जो अगला अपडेट है वो आपका यहाँ पे 8वां अपडेट, हस्बैंड या मदर नेम एडेड इन होम विजिट। तो जैसे कि हम फिर से यहाँ पे होम विजिट पे आएंगे और यहाँ पे जानेंगे कि 8वां अपडेट क्या है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो हस्बैंड है या फिर माता का नाम है उनका यहाँ पे नाम आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। हम होम विजिट, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पोषण ट्रैकर ऐप के होम विजिट में और 8वां अपडेट जो बता रहा है वो है आपका यहाँ पे कि हस्बैंड और मदर का नाम यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई लाभार्थी है, जैसे कि गर्भवती है, तो उनका पिता का पति का नाम शो करेगा, और कोई बच्चा यहाँ पे आप लोग देखेंगे होम विजिट में तो उसके माता का नाम यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अनुष्का कुमारी है तो उसके माता का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कोई अगर गर्भवती है या धात्री है तो उनके पति का नाम यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो सारी बदलाव की गई हैं वो आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमने इस पोषण ट्रैकर ऐप के 8वां अपडेट के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दी है। आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप के इस 8वां अपडेट में कौन सा अपडेट अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।